Once again, welcome back student. जैसे कि हमने start किया था Spearman rank correlation, जो कि हमने बताया था qualitative data पर based है और plus इसके अंदर ranks given होते हैं और इसके हमने three types देखे थे, जो जब आपका rank given हो, condition ये थी कि rank repeated ना हो. सेकेंड था डाटा गिवन हो, रैंक गिवन ना हो बट कोई भी डाटा रिपीट ना हो. अब जो थर्ड केस है वहां पर क्या आ जाएगा, रिपीटेशन का केस आ जाएगा. ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने कवर किया था जहां रैंक गिवन है और प्लस रिपीटेशन नहीं है. तो आज के लेक्चर में हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे जहां रिपीटेशन तो नहीं है बट रैंक भी गिवन नहीं है. तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहे, 10 स्टूडेंट सिक्योर फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैट एंड मैथ. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं, उनके मार्क्स दिए हुए स्टैट के अंदर और मैथ के अंदर. ठीक है, क्या करना है, कंप्यूट देयर रैंक्स. इस पर आपको मार्क्स दे दी गई, मतलब उनकी क्वांटिटी दे दी गई है. ठीक है, आपको क्या करना है, एक तो उनकी रैंक असाइन करवानी है और प्लस क्या करना है, आपको रैंक कोरिलेशन कोफिशियंट निकालना है. तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले जो रैंक है R1 और रैंक R2 ये हमें साइन करने हैं. देन हमें DIs निकालने हैं. DIs याद हो R1 माइनस में R2 था और फिर हमें DIs स्क्वायर निकालना है. फिर हमें R की वैल्यू तो पता ही है, R दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम ऑफ DI स्क्वायर हो जाएगा, बाय में n इनटू में कितना हो जाता था, n स्क्वायर माइनस 1. तो सबसे पहला काम रहेगा कि रैंक उसे असाइन करना है. तो रैंक आप चाहो तो उसको सेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर सकते हो या डिसेंडिंग में, मतलब हाईएस्ट को वन कर सकते हो या फिर आप असाइन कर सकते हो लोएस्ट को वन असाइन कर सकते हो. लेकिन जो भी पैटर्न फॉलो करो दोनों के लिए सेम पैटर्न फॉलो करना होगा. ऐसा नहीं है कि एक को तो रैंक आप हाईएस्ट के अकॉर्डिंग दे दो और दूसरे को लोएस्ट के अकॉर्डिंग दे दो. तो हम हाईएस्ट के अकॉर्डिंग देंगे. तो सबसे पहले आते हैं स्टैट में. तो स्टैट में सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स आप नोट करो. तो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, 48. यानी 48 के करेस्पॉन्डिंग रैंक मान लिया R1 है तो इसका जो रैंक है वो कितना हो गया है, 1. अब 48 के बाद अब नेक्स्ट मार्क्स नोट करो कितना है, 45. तो 45 को रैंक कितना मिल जाएगा, 2. अब 45 के बाद देखो 42 को मिल जाएगा 3. 41 को मिल जाएगा 4. यहां पर आप देख सकते हो कि कोई भी मार्क्स रिपीटेड नहीं है. ठीक है, अब 41 से भी छोटा, 41 से छोटा आई थिंक 39 है. तो 39 को रैंक असाइन हो जाएगा 5th. ठीक है, 39 से छोटा आई थिंक 36 है, देन इसको रैंक असाइन हो जाएगा 6. ठीक है, 36 के बाद 33 है यानी इसको 7 हो जाएगा, देन 31 यानी 8 हो जाएगा और 31 से छोटा यानी 29 इसको 9 रैंक असाइन हो जाएगा, देन 29 से भी छोटा यानी 24 ये 10 रैंक हो गया है. ठीक है, अब आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है मैथ के लिए. ठीक है, तो मैथ में हाईएस्ट है 47 यानी 47 वाला रैंक 1 हो गया है. देन 47 के बाद आई थिंक है 41 को रैंक 2 हो गया है. 41 के बाद 40 को रैंक हो गया है 3 असाइन. देन 439 4 असाइन हो गया है. देन 38 5 असाइन हो गया है. देन 37 6 असाइन हो जाएगा इसको. देन 35 यानी 7 हो जाएगा. अब आपको 35 से छोटा देखना है. 35 से छोटा आई थिंक 30 रह गया है. देन इसको 8 असाइन हो जाएगा और फिर 29 है यानी 9 असाइन हो गया और 27 जो है उसको 10 असाइन हो जाएगा. ठीक है, अब आपको रैंक तो ठीक है कि असाइन कर दिए हैं. अब आपको वही जो पहले वाला काम है DIs निकालने और DIs का स्केयर करना है. तो DIs आप क्या करोगे, रैंक 1 माइनस रैंक 2 यानी 8 माइनस 2 6 हो गया है, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 10 यानी माइनस 5, 1 माइनस 5 यानी माइनस 4, 10 माइनस 9 1,
सात में से छह गया एक, तीन में से तीन गया जीरो, छह में से आठ गया दो, नौ में से सात गया दो और चार में से चार गया जीरो। आप इसका सम चेक कर सकते हो, ये जीरो आएगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज रिपीटेड नहीं है। अब बारी आई है डी आई स्केयर की। डी आई स्केयर यानी कितना हो गया, 36 हो गया, देन ये हो गया 1 और ये हो गया 25, देन ये हो गया 16, ये 1 1 0 4 4 और ये हो चुका है 0। अब आपको क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो इसका सम आप जब सोल्व करोगे ये आ जाएगा 88। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, यानी 1 - 6 टाइम ऑफ 88 बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी 10 आ गया, 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस 1 कितना हो गया 99। इसको आप सोल्व कर सकते हो और उसके बेस पर बता सकते हो दिस इज हाई और मॉडरेट और लो। So, आज के लेक्चर में हमने देखा जहां रैंक रिपीटेड नहीं है, मतलब कोई डाटा रिपीटेड नहीं है और प्लस रैंक जो है गिवन ना हो तो उसे रैंक कैसे असाइन करते हैं और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमारा मोटिव रहेगा जहां रिपीटेशन हो, रिपीटेशन के केस में रैंक गिवन हो, रिपीटेशन के केस में रैंक गिवन ना हो, उसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनकरेक्ट से करेक्ट का भी क्वेश्चन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।